लोगों ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, बहुत कुछ कहा। जनता के दिल में ये बात है कि भाई जब आप कह रहे थे तब उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, और राहुल जी भी जब कह रहे थे तो कार्रवाई नहीं हो रही थी। उनके एक एक शब्द ब्रह्मास्त्र बनके इस दमनकारी सरकार को गिराया। ऐसा है कि कानून सिर्फ एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए बन रहे हैं, उसके बाद देश की जनता को मिलते हैं। दो तीन मुद्दा जिसको आम जनता को क्लियर होना चाहिए। जो मान लीजिए किसी का वोटर नहीं होता, वो उस दिन फैसला लेता है कि उनको किसको वोट, वो सोचेगी तो कि अगर राहुल गांधी की सदस्यता पर इस तरीके का मामला आया तो कांग्रेस इतना एक्टिव हो गई। देश में कितने लोगों की सदस्यता अभी तक चली गई इस कानून के तहत, तो इस पर कोई आंदोलन, कोई प्रतिशोध, यात्रा, रैली नहीं होता। तो क्या गांधी परिवार के लिए कांग्रेस अलग से कानून चाहता है इस देश में? अगर आपने अपने प्रश्न का उत्तर पांडे जी खुद ही दे दिया, देश में इतने लोगों की गई, ठीक है, तो जनता मूर्ख नहीं है। किसकी क्रिमिनल केस में जा रही है, किसकी किसी और चीज़ में जा रही है, ठीक है, किसकी दंगे के केस में जा रही है, किसकी सरकारी काम में बाधा के केस में जा रही है, वो अलग चीज़ है। पर एक व्यक्ति की सदस्यता जो इस देश में जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, अगली बार वो पार्लियामेंट में क्या बोलते बड़े बड़े घरानों के रिश्तों पे, उससे भयभीत होकर के एक ऐसा केस जो शिथिल पड़ा था उस केस को जीवित करके, नए जज की पोस्टिंग करके, और फिर आपने वहाँ पे निर्णय सुनवा दिया। और कौन सा केस है? डिफेमेशन का, मानहानि। मानहानि आपके मान की हानि तब होगी जब हम आपका नाम लेकर के आपको कुछ कहेंगे, ठीक है। राहुल जी ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं, पर हाँ, लोगों ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, बहुत कुछ कहा। जनता के दिल में ये बात है कि भाई जब आप कह रहे थे तब उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, और राहुल जी भी जब कह रहे थे तो कार्रवाई नहीं हो रही थी। पर कार्रवाई कब हुई? जब उन्होंने बड़े बड़े घरानों के रिश्तों को उजागर किया। और जब कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो जब बड़े घरानों के साथ रिश्ते उजागर होने लगे तो अगली बार वो पार्लियामेंट में क्या बोलते क्या नहीं बोलते। बीजेपी को तो इतना तो पता होगा कि राहुल गांधी को पार्लियामेंट से रोक सकते, पर सड़क पे बोलेंगे तो भी देश की जनता सुनेगी। देखिए, बिल्कुल सुनेगी देश की जनता, ऐसा नहीं है, पर पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो रिकॉर्ड पे जाती हैं, वो जीवन भर के लिए रिकॉर्ड पे रहेंगी, ठीक है। पार्लियामेंट इस देश की सबसे बड़ी पंचायत है, उस पंचायत में आप कह रहे हैं जब डेमोक्रेसी बचा ही नहीं तो वहां पे भी स्पंज करा दिया जाएगा, इसमें कौन सा बड़ा बात? नहीं, ऐसी बात नहीं है ना, आप सब कुछ नहीं हटवा सकते ना, आप थोड़ी बहुत चीजें हटवा सकते हैं कि भाई इस शब्द को हटा दो, उस शब्द को हटा दो, पर सार नहीं हटा पाएंगे। आप गलत बातों पे जा रहे हैं, ठीक है। आपको बात ये उठानी चाहिए पांडे जी कि राहुल गांधी जी ने जो मुद्दे उठाए, क्या वो देश की जनता के लिए आज रेलेवेंट हैं या नहीं? कल सुप्रिया सिनेत जी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, एक टोकरी लेके आई थी जिसमें 4-5 टमाटर थे, 3-4 अदरक थे, दो तीन हरी मिर्ची थी, ठीक है। उन्होंने बोला कि शादी ब्याह में ये दे दीजिए, ये 1200 का टोकरा है, लोग खुश हो जाएंगे, ठीक है। हरी मिर्च जो और अदरक जो कभी कभी मुफ्त मिल जाता था, आज अदरक 300 रुपये केजी है, ठीक है। तो प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि बड़े बड़े घरानों को जो दाल की दलहन की दलहन के स्टॉकिंग पे जो रोक थी, वो रोक किसने हटाई? जो दाल 30 रुपये केजी, 35 रुपये केजी थी, वो 200 रुपये केजी तक कहाँ से पहुँची? क्यों हटाई आपने दलहन के स्टॉकिंग पे? और उसके बाद देखिए, जो कहते हैं ना क्रोनोलॉजी, भाजपा हमेशा कहती है क्रोनोलॉजी समझिए, तो आप क्रोनोलॉजी यहाँ समझिए कि दलहन पे से प्रतिबंध हटता है स्टॉकिंग के लिए, और अडानी कंपनी सबसे ज्यादा दाल स्टॉक करती है उस साल, ठीक है। फिर कोयला पे ये कहा जाता है कि हर सरकारी कंपनी को अपने कंजम्पशन का कुछ हिस्सा बाहर से इंपोर्ट करना है, और सबसे बड़ा इंपोर्टर कौन है देश में कोयले का? फिर एक प्रश्न उठता है कि भाई
हम रिन्यूएबल एनर्जी पे सब्सिडी देंगे, और जैसे ही ये उठता है तो अडानी अनाउंस करते हैं कि हम रिन्यूएबल एनर्जी का ये बनाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देश की जनता के लिए आप कानून बनाएं, उसका कोई फ़ायदा उठाए वो अलग बात है, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि कानून सिर्फ एक व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बन रहे हैं, उसके बाद देश की जनता को मिलते हैं। ठीक है, 24 में लड़ पाएंगे राहुल जी, कांग्रेस को क्या उम्मीद है? राहुल गांधी एक व्यक्ति नहीं है कि वो 24 में चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं, उस पर बहुत कांग्रेस को चिंता करने की आवश्यकता है। महात्मा गांधी जी ने कभी चुनाव नहीं लड़ा, पर देश की, या महात्मा गांधी जी ने कभी क्या कहते ये नहीं कहा कि मैं ही चुनाव लड़ूंगा, पर उन्होंने एक विचारधारा दी और उस विचारधारा को लेकर के ये देश आज़ाद हुआ। फिर कांग्रेस ने सर्वप्रथम चुनाव में सबसे बड़ी और ऐतिहासिक जीत हासिल की, तो वो चेहरा गांधी जी ही थे, नेहरू जी ही थे। ठीक है, नेहरू जी चुनाव लड़ रहे थे, गांधी जी ने, अभी कर्नाटका के चुनाव संपन्न हुए, कांग्रेस का चेहरा कौन था? राहुल जी थे, कांग्रेस का चेहरा राहुल जी थे। जेपी आंदोलन हुआ था, क्या जयप्रकाश जी ने चुनाव लड़ा था? नहीं लड़ा था। तो आप उसके लिए चिंता मत करिए कि वो चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं, उनके एक एक शब्द ब्रह्मास्त्र बन के इस दमनकारी सरकार को गिराएंगे। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.